हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हम 20 डे सीरीज के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है 15 डे सीरीज की। इससे पहले हमने 14 वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड अपलोड कर दी हैं। अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज हम का मेन पर्पस ये है कि जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कंटेंट हमें लगता है तो हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आज की स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ के क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए। देखिए, ये जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर को, ये है अर्थ, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं। मैंने आपको जो हमने लेयर्स पढ़ी थी तब मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है, ये वो अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे से हमें स्टार्ट करना है। अर्थ के नीचे यानी कि अगर हम इतना पार्ट लें तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपर क्रस्ट। क्या कहलाएगा? अपर क्रस्ट। ठीक है, उससे तो और थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट, ठीक है, इसके बीच में इतना पार्ट जो है ये हमारा कहलाता है फ्रेंड्स मेंटल, MANTLE, ये हमारा मेंटल कहलाता है। मेंटल के नीचे का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स ये हमारा कहलाता है आउटर कोर। क्या कहलाता है? आउटर कोर, CORE, कोर। और नीचे का जो पार्ट होता है यानी कि इसके और नीचे हम जाएंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा इनर कोर। ठीक है, क्या कहलाएगा ये वाला हमारा इनर कोर। तो आप समझ गए, ये है हमारा अर्थ जहां हम रहते हैं। अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो ये हमारा कहलाता है अपर क्रस्ट, उसके और नीचे जाएंगे तो लोअर क्रस्ट, फिर आएगा हमारा मेंटल, फिर आएगा आउटर कोर और फिर आएगी हमारी इनर कोर। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम ठीक से समझ लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है तो देखिए, ये अर्थ है जहां हम रह रहे हैं, इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो ये हमने क्या बताया था, ये हमारी है अपर क्रस्ट। ठीक है, इसके नीचे और जाएंगे तो ये हमारी आ जाएगी लोअर क्रस्ट, इसके और नीचे जाएंगे तो ये हमारी कहलाएगी मेंटल, MANTLE, मेंटल। ठीक है, इसके और नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारी कहलाती है आउटर कोर, उसके और नीचे जाएंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। ये पता है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस तरह से कि अगर हम पृथ्वी के नीचे की बात करें तो सबसे नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है। तो देखिए, पृथ्वी है ये हमारी जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, इसके सबसे नीचे की लेयर क्या कहलाएगी, इनर कोर। इस तरह से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनकी दूरी की बात करें तो बियॉन्ड पृथ्वी से बात करें तो 2900 किलोमीटर अंदर है। ठीक है, और अगर हम मेंटल कोर की बात करें तो फ्रेंड्स मेंटल कोर जो है ये 72 2900 किलोमीटर है। मेंटल कोर हमारी मिलती है, अगर हम पृथ्वी से बात करें तो ये 70 किलोमीटर नीचे से हमें मिलना स्टार्ट होती है, जो कि हमारी 2900 किलोमीटर तक है। और उसके बाद से जो हमारी लेयर स्टार्ट होती है उसके नीचे और खुदाई पर जाएंगे तो हमारी कोर वाला एरिया शुरू हो जाता है, जैसे कि हमारा आउटर कोर, फिर आ गया हमारा इनर कोर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। देखिए, मेंटल के ऊपर की लेयर, ठीक है, और मेंटल के नीचे की ये लेयर, ये बहुत पूछी जाती है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेंटल के जो ऊपर की लेयर है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ इसको रफ करके। जैसे कि ये मेंटल था, इसके ये ऊपर की लेयर, इसको कहा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो मोहोविरिक डिसकॉन्टिन्यूटी। मैं यहां लिख देती हूं मोहोविरिक डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मोहोविरिक डिसकॉन्टिन्यूटी। और अगर मैं इस लेयर की बात करूं मेंटल के, ये हमारा मेंटल है, इस लेयर की बात करूं तो फ्रेंड्स ये लेयर हमारी कहलाती है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। गुटेनबर्ग, BERG, बर्ग, डिस
कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? तो ये क्या कहलाई? मोहोविक, MOHOVIRIK, मोहोविरिक डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये है GUTENBERG, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो लेयर बताइए जो कि हमारे ऊपर, हमने क्या बताया था आपको, लोअर क्रस्ट, तो वो लेयर बताइए जो मेंटल को लोअर क्रस्ट से जोड़ती है। तो आपको बताना होगा मोहोविरिक डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर ये पूछ सकते हैं मेंटल को नीचे जो हमारा आउटर कोर होता है, ये हमारा क्या है, ये आउटर कोर है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मेंटल को आउटर कोर से जो लेयर जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको क्या बताना होगा, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात जानने की है कि आउटर कोर की अगर हम बात करें, आउटर कोर के नीचे हमने क्या बताया था आपको, इनर कोर है। तो फ्रेंड्स, आउटर कोर जो होता है यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और प्रेशर क्या होता है यहाँ पे हमारा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम इनर कोर की बात करें तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी हाई होता है, हमारा प्रेशर भी हाई होता है। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि टेम्परेचर इनर कोर में कैसा होता है, आउटर कोर में कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए आउटर कोर में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, लेकिन प्रेशर हमारा क्या होता है, लो होता है। लेकिन वहीं अगर हम इनर कोर की बात करें तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा, और हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, वो भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जानने का है कि जो इनर कोर होती है, ठीक है, हमने बात की थी ना इनर कोर, इनर कोर में हमारा टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई है, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये जो लेयर है वो नाइफ की बनी हुई है, ठीक है। नाइफ का मतलब NiC होता है हमारा निकेल, और Fe होता है हमारा आयरन। तो ये दोनों इसमें पाए जाते हैं, इस लेयर में, इस वजह से हमारा टेम्परेचर और हमारा प्रेशर दोनों हाई होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आके एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये है कि जो हमारी अपर अपर क्रस्ट जो है, ठीक है, जो ऊपर की लेयर थी मेंटल के सबसे ऊपर की लेयर, अपर क्रस्ट, वो हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है सियाल, SIAL, सियाल, ठीक है। अब सियाल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी? सिलिका और एल्यूमिनियम की। नोट कर लीजिए, अपर क्रस्ट जो है उसको सियाल बोलते हैं क्योंकि ये हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें लोअर क्रस्ट की, ठीक है, लोअर क्रस्ट की, तो लोअर क्रस्ट को बोलते हैं सीमा, SIMA, शॉर्ट में सीमा। तो ये क्यों सीमा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, ये दो पाए जाते हैं, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं, ऊपर सिलिका। इन दोनों लेयर में, एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो क्रस्ट लेयर है, अब वहां पे मेंशन नहीं करेंगे ये अपर की लोअर, सिर्फ ये पूछेंगे क्रस्ट लेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए आप इजिली बता सकते हैं, देखिए अपर क्रस्ट में भी सिलिका है, लोअर क्रस्ट में सिलिका है, तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में क्रस्ट लेयर में सिलिका पाया जाता है। और अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि अपर क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो आपको दो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, सिलिका और एल्यूमिनियम। लोअर क्रस्ट की बात की जाएगी तो वहां सिलिका और मैग्नीशियम आपको बताना होगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मेंटल और कोर हो गया हमारा, आउटर हो गया। अब आउटर कोर जो होता है पूरा, जो हमारा आउटर कोर है वो क्या होता है हमारा पूरा, वो मॉल्टेन होता है, क्योंकि यहाँ पिघला हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बताया था मैंने आपको, और प्रेशर कैसा था हमारा, कम था। तो ये पूरी क्या है, यहाँ पर जो हमारे जितने भी हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं वो पिघले हुए हैं यहाँ पर। जबकि जो इनर कोर जो होती है हमारी, इनर कोर ये वाली मॉल्टेन होती है पिघली हुई, और ये जो होती है ये हमारी ठोस होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, इसलिए सॉलिड होती है। और फ्रेंड्स, ये सॉलिड है सिर्फ यही कारण है कि हमारी जो धरती है वो टिकी हुई है, नहीं तो अगर ये पिघल जाएगी तो हमारा जो अर्थ का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सॉलिड है सिर्फ इसी वजह से हमारे पृथ्वी पर
बैलेंस बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कारण बैलेंस बना हुआ है, तो इनर कोर के कारण, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि अब हम अर्थ की बात करें। ठीक है, अर्थ के हम जितना अंदर जाएंगे, यानी कि जितना हम नीचे जाएंगे खुदाई करते टाइम, उतना क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ तक तो ये बात ये थी, लेकिन हम नीचे की बात करें, इनर कोर तक और इनर कोर के आगे और भी नीचे जाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और अर्थ के कोर पर जो टेम्परेचर होता है, यानी कि इनर कोर जो है, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है फ्रेंड्स, वो हमारा पता है वो 250 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक है। इतना है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, 2500 से लेके 3000 तक है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम एटमॉस्फेयर के साथ में बात कर लें थोड़ी सी, तो फ्रेंड्स हमारा जो एटमॉस्फेयर होता, एटमॉस्फेयर जो है वो पता है क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बहुत सारी गैस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं। ठीक है, हमारे अर्थ पर ग्रेविटी है, इसलिए हम अर्थ पर अलग नहीं हो सकते, हम अपने अर्थ से जुड़े रहते हैं, नहीं तो हम अपने अर्थ से गिरते नहीं है। किसके कारण? वो है हमारा ग्रेविटी के कारण। बहुत सिंपल है ये, आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अगर हमारे यहाँ प्लैनेट नहीं है, ऐसा बताइए, सॉरी, अगर ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ठंड, रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और अगर दिन की बात करें तो दिन में यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, इसलिए बहुत कोल्ड भी रहता है और बहुत हॉट भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इतनी ठंड पड़ती है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -170 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, और ठंड इतनी होती है, वो सॉरी गर्मी जो होती है वो इतनी होती है कि 300 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ठंड इतनी है कि -170 हो जाता है, और गर्मी भी इतनी रहती है कि 300 तक टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है रात में, और दिन हमारे बहुत गर्म होते हैं, रात बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा आज का। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप बताएगा, हम ये सारी चीज़ें फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस तरह से 2 से 3 क्वेश्चंस ईजिली बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।